दोस्तों नमस्कार। आज हम लोकसभा चुनाव बीतने के बाद किस सियासत पर बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश का परिणाम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 33 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, जो पिछली बार 62 सीट जीत चुकी थी। उसके पहले 2014 के चुनाव में 71 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा 37 सीट जीती है और 6 सीट कांग्रेस ने जीता है, 1 सीट अपना दल ने जीता है और 1 सीट आज़ाद समाज पार्टी कांसी राम ने जीता है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है नगीना से लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी सियासी जमात बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर के एक बयान दिया है, ट्वीट किया है, जो आजकल बड़ा चर्चा में है। आइए हम बताते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है, क्या मायावती मुसलमानों को अब लोकसभा में टिकट नहीं देंगी या क्या वजह रही है, आइए हम लोग जानते हैं। अंत तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप कमेंट करिए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 बीत गया है और दो एक दिन में जो है सरकार का गठन हो जाएगा, चाहे इंडिया अलायंस या एनडीए गठबंधन कोई एक सरकार बना देगा, या तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो है रिकॉर्ड तोड़ेंगे, या तो फिर जो है इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। अभी इस पर चर्चा हो रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने मुसलमानों, मुस्लिम समाज, अक्लियत समाज के प्रतिनिधित्व देने और उनका वोट ना मिलने पर सवाल उठाया। अब मायावती के इस ट्वीट का अलग अलग मतलब निकाला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब आगामी चुनावों में मायावती जो है मुसलमान समाज के लोगों को कम टिकट देंगी। आपको हम एक चीज बता दें कि समाजवादी पार्टी ने केवल 5 टिकट मुस्लिम समुदाय को दिया था, लेकिन पांचों उनके 5 सदस्य में 4 जीते भी, लेकिन मायावती ने लगभग 19 मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से उतारे थे, लेकिन वे नहीं जीत पाए, जीत ही नहीं पाए। हर जगह मुस्लिम प्रत्याशी या कोई भी बसपा का प्रत्याशी हो, वो बहुत अच्छे मार्जिन में नहीं रहा, वो जो है तीसरे नंबर पर ही जो है हर जगह लड़ता हुआ दिखाई दिया। महन जी ने समीक्षा किया, मायावती ने समीक्षा किया और उन्होंने कुछ चीज़ें सार्वजनिक की। मायावती ने कहा कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो संभव पूरा पूरा प्रयास किया गया, जिसमें खासकर दलित वर्ग से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उसका मैं भी विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन यह बात सही नहीं है। मायावती ने यह तो जरूर कह दिया कि दलित समाज ने उनकी पार्टी को वोट किया है, लेकिन दलित समाज ने इंडिया गठबंधन को ज़्यादा वोट किया है, ये रिकॉर्डेड है, इंडिया गठबंधन को ज़्यादा वोट किया है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन इतनी सीट पा सकी है। 8 पासवान समाज के जो है कैंडिडेट जीते हैं, तमाम सामान्य सीटों पर जो रिजर्व सीटें नहीं थी, चाहे वो अयोध्या वाली सीट रही हो, चाहे वो मुरादाबाद वाली सीट रही हो, चाहे मेरठ वाली सीट रही हो, वैसे मेरठ वाली तो नहीं जीत पाई समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तमाम असामान्य सीटों पर भी दलित समाज से प्रत्याशी दिया और वे चुनाव जीते, रिजर्व सीटों पर ही नहीं दिया। और रिजर्व सीटों पर बीएसपी ने भी तो दलित समाज को दिया था, उसको वोट क्यों नहीं मिला, उसके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चले गए। जहाँ बहुजन समाज पार्टी का हर लोकसभा में 2.5 लाख 3 लाख वोट है,
वही किसी लोकसभा में 50,000, किसी लोकसभा में 60,000, किसी लोकसभा में 80,000, किसी किसी लोकसभा में 1,00,000 1,25,00,000 वोट मिला है। तो ये मायावती जी का कहना कि नहीं दलित समाज ने हमारे पार्टी को बसपा को ही वोट दिया है, ये मेरे समझ से परे है। हो सकता है कि उन्होंने दलित समाज को अपने से जोड़े रखने के लिए ये बात बोली हो। अब सोचिए कितनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी थी, आज पूरे पहले पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी होती थी, आज चौथे नंबर की वोट परसेंटेज में पार्टी हो गई, एक भी सीट नहीं है। लेकिन अकेले लड़ने का उन्होंने फैसला किया, जो बसपा के लिए घातक हुआ। बीएसपी चीफ ने मुसलमानों के बारे में जो टिप्पणी किया वह बड़ी हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि सोच समझ कर मौका दिया जाएगा। ये सब चीजें बंद कमरे में बात की जाती हैं, अपने रणनीतिकारों के बीच में बात की जाती हैं। आप सार्वजनिक अगर ये बात करते हो तो मुस्लिम जिसे चुनाव लड़ा और जिसको मुस्लिम समाज के कुछ ही लोगों ने वोट दिया हो आहत होते हैं। उनको लगा करे हमने वोट भी दिया और हम अब बसपा चीफ के नजर में शंका की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। नहीं जीता पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई बहुजन समाज पार्टी कहीं लगी नहीं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई बहुजन समाज पार्टी लगती तो अखिलेश समाज पूरा जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देता। इसके इतर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, कांग्रेस से गठबंधन किया और छोटे दलों से गठबंधन किया, जिसके माहौल बना, ये माहौल बना कि समाजवादी पार्टी ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, एनडीए को हरा रही है। शुरू से माहौल बना जिसकी वजह से मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। अच्छा और आप सोचिए, आप एक लाइन की बात है, अब तो 37 सीट जीत गई समाजवादी पार्टी, 2027 विधानसभा में चुनाव होगा वो समय भी मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और इसी बीच आप बोल रहे होगे मुस्लिम समाज को टिकट देने से के बारे में सोचना पड़ेगा, जो था वो भी चला जाएगा। ये सब चीजें जो है वो कमरे में होती, बंद कमरे में बातें होती है। बहरहाल बीएसपी चीफ ने जो है मुस्लिम समाज के लिए कहा कि पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ के ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। इन्हीं खास बातों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। उन्होंने ट्वीट में लिखा हो कहा अभी समाप्त करती हूँ, जैसे प्रेस को संबोधित कर रही थी। बहरहाल हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मायावती ने सहारनपुर से माजिद अली को चुनाव लड़ाया, मुरादाबाद से इरफान सैनी को, रामपुर से जिसान खान को, संभल से सौलत अली को, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को, एटा से मोहम्मद इरफान एडवोकेट, बदायूं से मुस्लिम खान, आंवला से आबिद अली को, पीलीभीत से अनीस अहमद खान को, लखनऊ से सरवर मलिक को और कन्नौज से इमरान बिन जफर को, श्रावस्ती से मायावती ने मोइनुद्दीन अहमद खान को टिकट दिया, वहीं डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को उतारा, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को टिकट दिया गया, तो महाराजगंज मौसमे आलम को जो है टिकट पकड़ा दिया गया कि आप लड़िए। गोरखपुर जहां से रवि किशन और काजल निषाद चुनाव लड़ रही थी वहां से जावेद सिमनानी को टिकट दिया, आजमगढ़ उपचुनाव में उन्होंने टिकट दे दिया था गुड्डू जमाली को, धर्मेंद्र यादव हार गए थे। इस बार उन्होंने पहले आजमगढ़ में अपने पूर्व अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट दिया, उसके बाद उनका टिकट बदल करके महसूद अहमद को टिकट दे दिया। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ सैयद नियाज अली को टिकट दिया। कितने मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया लेकिन कोई प्रभावशाली परिणाम नहीं दे सका, कोई जीत नहीं सका। अच्छा हुआ क्या, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को ही टिकट दी थी, इसमें कुछ सोचा भी नहीं गया, बस कि किसके पास जनता है, किसके पास जो है बड़ी मांग है, क्या समीकरण है। अच्छा आप बताइए, समाजवादी पार्टी का सांसद
मुस्लिम है, आप उसके खिलाफ अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतार देंगे तो इससे साठगांठ नहीं लगता कि हाँ जो है क्या हो सकता है। आप मुस्लिम प्रत्याशी देते समय समीकरण तो सोच लेते। आप अखिलेश, जब आपको पता है ये कॉमन बातें तो सबके दिमाग में होती हैं, जब पता है समाजवादी पार्टी के साथ माइनॉरिटी जुड़ा हुआ है, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया चाहे अखिलेश यादव ने अपने परिवार के ही लोगों को जहाँ जहाँ टिकट लगाया वहीं से आपने जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, चाहे वो आजमगढ़ से हो जहाँ धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, चाहे वो कन्नौज से हो जहाँ से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। अब आप बताइए अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ माइनॉरिटी बसपा को क्यों वोट देगा? आपको तो बल्कि वहाँ से माइनॉरिटी उतारना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये आपने उतार दिया, आप कौन समझाए? इसी तरीके से बदायूं से अखिलेश यादव के ही परिवार का एक लड़का लड़ रहा था, शिवपाल का लड़का लड़ रहा था, आदित्य यादव लड़ रहा था, आपने वहां से मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। आपको क्या लगा था कि सपा को छोड़ के मुस्लिम आपको क्यों दे देगा, जबकि माहौल ये बना हुआ है कि सपा ही लड़ रही है? अब इसी तरीके से मतलब ऐसे ऐसे प्रत्याशी आपने माइनॉरिटी दे दिए तो लोगों को लगा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, इससे लगा कि और तमाम जगह ऐसी ऐसी जगह मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए, मुस्लिम प्रत्याशी भी ऐसे रहे जिनको जनता में जिनकी पकड़ कम रही, इसलिए कुछ प्रत्याशी को छोड़ दीजिए। 1 लाख वोट से ज़्यादा केवल 4 या 6 प्रत्याशी पाए हैं, नहीं तो सभी लोग 79 प्लेस पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर थी। खाली एक स्थान ऐसा था जहां बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी बस। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण प्रत्याशियों पर ही अपना दांव लगाई थी। ब्राह्मण प्रत्याशी जीते तो कोई नहीं, लेकिन कुछ ब्राह्मण प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे वोट मिले उनको। ब्राह्मण प्रत्याशियों में बता दूं, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट दिया, और अलीगढ़ से जो है बंटी उपाध्याय को टिकट दिया बसपा ने, फतेहपुर सीकरी से राम निवास शर्मा को टिकट दिया, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे को टिकट दिया, प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा को टिकट दिया, फरुखाबाद से क्रांति पांडे को टिकट दिया, अकबरपुर लोकसभा से राजेश कुमार द्विवेदी को टिकट दिया, हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित को टिकट दिया, बांदा से मयंक द्विवेदी को टिकट दिया, जो 2,55,000 से ज़्यादा वोट पाए, एक बार तो लग रहा था जीत जाएंगे। फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे को टिकट दिया, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया, गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा को टिकट दिया, और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया। मनीष त्रिपाठी ने तो वो काम किया कि अपना दलीय संहिता हारते हारते जीती है। बहरहाल मेरा ये कहने का मतलब है कि आपने ब्राह्मणों को भी टिकट, आपको ब्राह्मणों ने वोट भी दिया, लेकिन ये सारी चर्चा कि मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया, ब्राह्मण समाज ने वोट नहीं दिया, फलाना समाज ने वोट नहीं दिया, ये सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। ये सार्वजनिक करने से आप किसी अपने वोट का नुकसान कर ले रहे हो। बहुजन समाज पार्टी के रणनीतिकारों को पता नहीं क्या सोचता है। आप डायरेक्ट कह रहे हो कि मुस्लिमों को प्रतिशत देने के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। तो आप 2-2, 4-2, 5-2 कितने भी मुसलमानों को दो, लेकिन उसे नहीं आएगा। आकाश आनंद को बताइए, इतना बढ़िया वो बोल रहे थे, बीच में ही बहुजन समाज पार्टी ने रोल बैक कर लिया। युवा आकाश आनंद को पसंद भी कर रहे थे। अपनी क्या कमियां रह गई हैं उसकी समीक्षा बंद कमरे में करिए। अपनी रणनीति का अगर आप खुद ही खुलासा कर दे रहे हो तो क्या बताएं, हम तो पत्रकार होने की हैसियत से कुछ बोलना नहीं चाहते कि कैसे टिकट बढ़ता है, कैसे जो है लोगों को टिकट मिला है। अब कहने के लिए तो फलाना फलाना जाति का है, वो अपनी जात का कितना वोट पाएगा, कम से कम उसके बारे में अध्ययन भी तो होना चाहिए। उसकी जाति का और भी तो कोई मजबूत नेता हो सकता है, लेकिन नहीं, जाने दीजिए। अब पत्रकारिता का थोड़ा सा एक लिमिटेशन है, उसको निभाना है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी पार्टी है। दिनों दिन उसके सांसदों की संख्या, उसके वोटरों की संख्या घटती जा रही है। बताइए,
2014 में 0 सीटें मिली थी, 2019 में आपने सपा से गठबंधन किया 10 सीटें पाई, फिर 2024 में अकेले लड़ेंगे, 2022 विधानसभा में आप 403 में केवल एक सीट पाई थी, कभी नहीं आपको नहीं अकेले लड़ेंगे, किसके कहने पर आप अकेले लड़ रही थी। बहुजन समाज पार्टी का हर कोऑर्डिनेटर, हर प्रभारी, हर कार्यकर्ता चाहता था कि गठबंधन हो जाए। आप गठबंधन करके लड़ते, आपके राज्यसभा में भी कुछ सदस्य होते, विधानसभा में कुछ सदस्य होते, लोकसभा में कुछ सदस्य होते, विधान परिषद में होते, कम से कम जनता की और बसपा के लोगों की बात तो उठाते। अकेले लड़ने से एक भी जनप्रतिनिधित्व ना रहे भाई, राजनीतिक पार्टी भी तो है बसपा, कि वो समाज पार्टी बस मिशनरी एक चैरिटी वाली पार्टी है भाई। आप अगर पार्टी हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं तो जीतने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या को, लोगों की समस्या को सदन में उठाने के लिए। अब कांशीराम जी ने भी कहा था और लोगों ने भी कहा था, अम्बेडकर जी का बहुत अच्छा कोट है कि भाई परिवर्तन सत्ता के माध्यम से होगी, सत्ता प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए ना। अब ऊपर से देखिए, बोल दिया था आकाश आनंद ने कि भाई देखो चुनाव बाद में सत्ता पाना है चाहे जिससे समझौता कर लो, उस पर निहितार्थ निकाला गया कि भाजपा से भी हो सकता है। ठीक है, किसी से भी अगर हो सकता है तो 2027 की तैयारी बहुजन समाज पार्टी को अभी से शुरू कर देना चाहिए, और यह संभावना समाप्त नहीं करना चाहिए कि अकेले लड़ेंगे। अभी बहुत लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं और एक नया मोर्चा खड़ा हो सकता है। उसमें मैं अगर नाम ले लूँ तो जयंत चौधरी भी हैं, पल्लवी पटेल भी हैं, ओम प्रकाश राजभर को भी ला सकती हैं, निषाद पार्टी भले एनडीए में उनको भी ला सकती हैं। हम तो अपना दल यश को भी कह सकते हैं कि उनको भी प्रयास करें तो ला सकती हैं। ठीक है, जनवादी पार्टी के संजय चौहान भी आ सकते हैं, मैं आपको बता दूँ केशवदेव मौर्य भी आ सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य फिर आ सकते हैं। इतने दल हैं जो आ करके बहुजन समाज पार्टी से मिलेंगे, एक जो है पूरा माहौल बनेगा। और बहुजन समाज पार्टी कितना खर्च करना है, 50 सीट वो मुश्किल, अरे भाई 403 लोग विधानसभा की सीटें, उसमें 50 सीट आप सहयोगियों को दे दीजिए और लड़िए ना 350 सीटों पर। लेकिन त्याग करना पड़ेगा और गठबंधन को टिकाऊ करना पड़ेगा। सार्वजनिक आप अगर ये बोलेंगे ना कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देता, मुस्लिम के को प्रत्याशी बनाने में परहेज करना होगा या सोच समझ कर देना होगा, ये बात बंद कमरे में करिए, अपने महासचिवों को बीच में करिए, सार्वजनिक बोलने पर इसका नुकसान है। और अब अगर आप कहते हो नहीं नुकसान है, आपके भक्त लोग कहते हैं कि भाई जी ने जो बोल दिया वो सही, तो भाई ठीक है, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे सही है, चाहे अपना शुभ चिंतक माने बसपा वाले, चाहे जो है कुछ और। और वैसे भी एक पत्रकार किसी पार्टी का शुभ चिंतक नहीं होता है, तो एक सही समीक्षा ये है कि बहन जीतने को ये घातक कदम नहीं उठाना चाहिए। आज आप कह रही हैं कि हम मुसलमान हमको वोट नहीं दिया, वो प्रतिनिधित्व समझ नहीं पा रहा है, अभी इसके पहले ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा, कल को क्या करेंगी, ब्राह्मण नहीं वोट दे रहा है, मुस्लिम नहीं वोट दे रहा। अरे सत्ता से नाराज लोगों को जब विकल्प की जरूरत होगी तो बहुजन समाज पार्टी पहली पार्टी है, तो उसमें दलित तो उसमें मुस्लिम भी आ सकता है, उसमें ब्राह्मण समाज भी आ सकता है, उसमें वैश्य समाज भी आ सकता है, सब आ सकते हैं। लेकिन सत्ता के प्रति नाराजगी होने दीजिए, उसको पैदा करिए, एक मूवमेंट करिए, अपने को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत तो करिए। विकल्प बनना नहीं है, ट्वीट खाली करना है, और ऐसे ट्वीट में आपको विपक्ष से लड़ना है। या तो आप तय कर लीजिए कि आप सपा को समाप्त करेंगी या आप भाजपा को समाप्त करेंगी। और भाजपा कौन सी बहुत मजबूत पार्टी है, उसके पास तो बेस वोट ही नहीं है, वो पॉकेट में कुछ नेताओं को आगे करके गठबंधन करके चुनाव लड़ती है और उसी का उसको फायदा है। बेस वोट तो आपके पास था, बेस वोट समाजवादी पार्टी के पास है, बेस वोट अनुप्रिया पटेल के पास है, बेस वोट पल्लवी पटेल के पास है, बेस वोट ओपी राजभर के पास है, बेस वोट संजय निषाद के पास है, भले उनके पास पूरा ना हो लेकिन बेस वोट पर ही पार्टियां आएंगी।
भाजपा के पास कौन से बेस वोट है, जिसे कांग्रेस के पास बेस वोट नहीं था। कांग्रेस का भी जो है कोई बेस वोट ना होने की वजह से संगठन कमजोर है, लेकिन माइनॉरिटी बेस वोट आज सपा का है, वो कांग्रेस का भी बन सकता है, वो आपका भी बन सकता है, लेकिन कम से कम विकल्प तो प्रस्तुत करिए। आज माइनॉरिटी को भारतीय जनता पार्टी अगर डरा के रखती है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है तो आपको बोलना होगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी एक ऐसी पार्टी थी जिसने बोला था कि बाबरी मस्जिद की जगह जैसे मंदिर बन रहा है वैसे मस्जिद भी बननी चाहिए जहाँ पर जमीन मिली है दौराराम। लेकिन ये सब इतना शॉर्ट में बोल दिया जाता है, ट्वीट कर दिया जाता है कि जनता समझ नहीं पाती। वैसे चलिए, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने जो भी कहा है क्या होगा उसका परिणाम हम आगे भी आपको बताएंगे। देखते रहिए MP टॉक्स। धन्यवाद।